अच्छे विचार आपके में है और तो आज की संगोष्ठी में के हमारे दो एक अनुरोध बाकी हैं। पहला अंक है हमारा संकल्प वाचन, उसके विषय हमारे जो है इस लक्ष्य की पहले संकल्प की पृष्ठभूमि तो बता दीजिए। हो सकता है कि वो संकल्प हमको न करना पड़े, आप नहीं करना है, नहीं हमें नहीं, सबको आप करा रहे हो, तो पहले उसकी पृष्ठभूमि बता दीजिए, कौन कौन सी शर्तें आप रख रहे हैं। संकल्प की पृष्ठभूमि में यही आधार होगा जिस संदर्भ में चर्चाएं होंगी विद्वानों के बाद, और मेरी दृष्टि में भी देखने में संख्या में हम लोग बहुत कम, लेकिन ये बौद्धिक शक्ति या समस्त शक्ति के प्रतीकार्थों में इस सभा को हम अपनी बार को जिसे स्वीकार, तो जिस संदर्भ को लेकर के चर्चाएं हुई, सभी महान भाव ने अपने अपने विचार प्रकट किए हैं, सभी के विचारों का समादर करते हुए सम्मान करते हुए और उसका जो सारांश है सभी ने अपने अपने प्रकार से ग्रहण किए, और ये निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि भले ही हम अपनी बात अपने प्रकार से न कह पाए हों पर सभी के कथन का उद्देश्य एक ही था, और सभी उस उद्देश्य को प्राप्त हों, वो प्रयोजन सिद्ध हो, यही संकल्प की आधारशिला होगी और इसी पर आधारित ये भ्रष्टाचार निवारक प्रवीण समिति, प्रवीण शोध संस्थान, महात्मा प्रवीण दीक्षित जी की जयंती तथा ईद के अवसर पर आज दिनांक 20/8/2012 को प्रेस क्लब कानपुर में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए उपाय सुझाने हेतु एकत्रित हुए विद्वानों, समाज सेवी संगठनों के पदाधिकारियों, प्रबुद्ध नागरिकों, शिक्षकों तथा सदैव सम्मान पत्रकारों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को अनुभवजन्य तथा आवश्यकता उपयुक्त मानकर निम्नांकित ऊर्जावान आदरणीय महानुभाव को समक्ष की महत्व देते हुए भ्रष्टाचार की लड़ाई सफलतापूर्वक जीतने के लिए भ्रष्टाचार निवारक प्रवीण समिति का गठन करता है। ये समिति समय समय पर निर्धारित स्थान पर एकत्रित होकर अपने कार्यों की समीक्षा करेगी और भावी रणनीति बनाएगी। समिति मूलतः अहिंसा एवं सद्भाव को महत्व देगी। समिति के सभी सदस्य अपने अपने क्षेत्रों में ईमानदार लोगों को संगठित कर भ्रष्टाचार निवारक उप समितियां गठित कर सकेंगे। भ्रष्टाचार को समाप्त करने के सभी लोग निम्न फोन नंबरों एवं साधनों के माध्यम से प्रवीण शोध संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। यह समिति समय समय पर निर्धारित स्थान पर एकत्रित होकर अपने कार्यों की समीक्षा करेगी और भावी रणनीति बनाएगी। समिति मूलतः अहिंसा एवं सद्भाव को महत्व देगी। संकल्प वाचन के निर्वाह के लिए जो हमारे संकल्प वाचक सर्वोदय नेता श्री जगदम्बा भाई जी के द्वारा होना इन्हीं कारणों से नहीं आ सके, चले तो ये मधुरतम भार मैं अपने पूज्य दादा श्री विष्णु दादा तिवारी जी से निवेदन करेंगे, तो वो इन संकल्प का आप संकल्प वाचन पढ़ा जाएगा और उसमें जो लोग इसमें भ्रष्टाचार के विरुद्ध हैं वो उसको दोहराएंगे। श्रीवास्तव जी अभी इसमें मेंबरों का नाम नहीं दिया गया है क्योंकि बड़ा विलम्ब लग रहा है, तो इसी में पीछे हो गए तो हमने जो तो है आप निवेदन कर दिए तो बीच में रखना पड़ा। एक बार संकल्प आपको
पथ तंत्र की भांति ही संकल्प प्रस्तुत किया जा रहा है। हम सभी लोग भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए अपने पूर्वजों तथा देश के सच्चे नेताओं को साक्षी मानकर संकल्प लेते हैं कि देश में विभिन्न क्षेत्रों में व्याप्त भ्रष्टाचार को यथा आवश्यकता समझ कर इसे समाप्त करने के सार्थक प्रयास करेंगे तथा एक दूसरे से तालमेल रखते हुए इसे समाप्त करने में सहयोग करेंगे। ये संकल्प है और इसको आप सब लोग आप सहमत है कि नहीं सहमत है साहब? हाँ साहब सहमत। तो फिर आप इसको जो है चाचा थोड़ा सा आप पढ़ करके करें और संकल्प हमें आप कहें तो भाई दोबारा और इससे मालूम हुआ कि आप सबकी स्पीच जो सहयोग है और आदरणीय पुरुषोत्तम जी और चंद्रभूषण जी बात में समिति अपने कर लेंगे मनोनीत कर लेंगे और सबसे